हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आपके अपनी भाई के यूट्यूब चैनल पे डिक्शन या टिप्स एंड ट्रिक्स में। बहुत सारे बंदे ये बोल रहे थे कि भाई परफेक्ट प्लेइंग 11 कैसे चूज करते हो, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया हूं कि परफेक्ट प्लेइंग 11 चूज करने से पहले आपको क्या सब चीज़ दिमाग में रखना पड़ता है। तो बहुत दिनों से मैं एक चीज़ आप लोग को बोल रहा हूँ कि जिस मैच में आपका पकड़ हो सिर्फ वही मैच खेलो। बहुत सारे मैच एक दिन में आजकल हो रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 मैच एक दिन में हो रहे हैं। तो आप हम लोग क्या करते हैं या फिर आप लोग क्या करते हैं, 8 से 10 मैच में टीम लगा देते हैं अपना। इंग्लिश और डीआई एक दिन में 6-6 मैच होती है, तो आपको टारगेट करना है कि 6 में से कौन सा आपको 2-3 मैच खेलनी है। उस 2-3 मैच में आप बहुत डीपली पकड़ बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं फिर टेलीग्राम पर जो भी टीम देते हैं, उन लोग का यही कोशिश रहता है कि मैक्सिमम मैच कवर करें। तो उसमें भी आप लोगों को जो जिस मैच में लगे कि ये मेरा सेफ है, कोई ऐसा कैप्टन लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये बंदा अच्छा करेगा ही, उसको अपने टीम में रख के कैप्टन वाइस कैप्टन बना के आगे टीम बनाओ और उसी में 2-3 पैक खेल लो। पैक की जहाँ तक बात है तो मैंने इससे पहले बता दिया है एक वीडियो में कि किस पैक को खेलना है, किस पैक को नहीं खेलना है, किस में अपनी पकड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, किस में अपनी पकड़ कम होती है। उसके बाद बात करते हैं कि हम जो आप लोग को टीम देते हैं, आप लोग क्या करते हैं, उसका 2 कॉपी उतार देते हैं और क्लैश बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आजकल। अपनी फैमिली डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो क्लैश से बचने के लिए बस एक ही ऑप्शन है कि खुद की 1-2 चेंज करो। 1-2 बंदे ऐसे भी हैं जो मेरी टीम से ग्रैंड लीग लगा चुके हैं, प्रूफ तो मैंने टेलीग्राम पे दे भी दिया है कि मैं भी एक बार 10,000 रुपया जीता हूँ। तो उस दिन मेरे साथ कोई नहीं 10,000 रुपया जीता, तो मैं भी लास्ट मोमेंट क्या करता हूँ, एक आध चेंज कर लेता हूँ कभी कभी। तो आप लोगों को भी चेंज करना चाहिए जो आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे कल मैं ऑप्शन देता हूँ नीचे में, ऑप्शन दे देता हूँ कि आप इसके साथ जा सकते हो, तो आप चेंज कर लिया करो एक आध प्लेयर जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि ये प्लेयर अच्छा करेगा। और जिस मैच में आपको पकड़ नहीं है, आपको लग रहा है कि ये भी मैच मुझे खेलना है, उसमें आप मेरा 2 कॉपी उतार दो। 59 और 39 रुपीज़ का जो पैक है, हेड टू हेड 3 मेंबर्स, इस समय क्या करो, मेरा आप 2 कॉपी उतार दिया करो। और ये वीडियो बनाने के पीछे कोई रीज़न नहीं था, बस यही है कि परफेक्ट प्लेइंग 11 कैसे बनाएं उसका समीकरण आप लोग को मैं स्पीड में बताते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने वाला नहीं हूँ। परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाने से पहले आप पिच मिजाज ज़रूर देखो, पिच क्या कह रही है। अगर कह रही है कि बल्लेबाजी पिच है तो आप बैट्समैन ज़्यादा लोगे, ऑलराउंडर ज़्यादा लोगे, बॉलर कम लोगे। अगर कह रही है कि बॉलिंग सपोर्ट पिच है तो ऑलराउंडर ज़्यादा लोगे, बॉलर ज़्यादा लोगे, बैट्समैन 3 लेके जाओगे। T20 में बेसिकली आप टॉप के बैट्समैन लेके जाओगे, ODI में मिडिल के बैट्समैन लेके जाओगे, टेस्ट में ऐसा बॉलर लोगे जो रन भी बना देगा। तो ये तो मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में कि कैसे बल्लेबाज को चूज करना है, टेस्ट में कैसे, ODI में कैसे, T20 में। बेसिकली अभी T20 और ODI का टाइम चल रहा है, तो हम T20 ODI के बारे में ही बात करेंगे। तो आपको T20 में क्या करना है, वही बात, टॉप ऑर्डर को लेना है, ऑलराउंडर को लेना है, फिर गेंदबाज के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपको जिताता कौन है, ऑलराउंडर जिताता है। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको वही चीज़, विकेट कीपर अगर ओपनर हो क्विंटन डिकॉक, जॉस बटलर, इस तरह का KL राहुल, तो उसे आप कार्तिक पटेल, उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन दे दोगे। चलते हैं इसके आगे वाली बात कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, पिच अगर कह रही है कि पिच स्लो हो जाएगी, गेंदबाजी का मदद करेगा सेकेंड इनिंग में, कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी को मदद करेगी, टॉस आने के बाद क्या हुआ ना, हम लोग का बहुत कुछ क्लियर हो गया, हो जाता है टॉस आने के बाद कि सेकेंड इनिंग में क्या करेगी। जो मेरे टेलीग्राम से जुड़े हो मैं उसको जरूर बताता हूँ कि सेकेंड इनिंग में पिच किसको मदद करेगी, क्या गेंदबाजी करना आसान है, चेस करना आसान है, जो आसान होती है उसको थ्रू अकॉर्डिंग हम लोग टीम बनाते हैं। फर्स्ट इनिंग का जो जो भी टीम गेंदबाजी करता है, T20 रहे या ODI रहे, वो लास्ट में विकेट फेंकेगी ही, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका डेथ बॉलर को पकड़ लेते हैं और फिर उसको टीम में रखते हैं, वो हम लोग को 1 या 2 विकेट ला के देगी। ये तो फंडा क्लियर है सभी का। उसके बाद आते हैं कि अभी IPL का टाइम चल रहा है, तो कोशिश करो कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ। प्लेइंग 11 बेस्ट बनाने का तरीका यही होता है कि आपके पास अगर ऑलराउंडर बेस्ट हो तो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना दो। ODI की मैं बात कर रहा था ये, और प्लेइंग 11 बेस्ट बनाने का कोई और भी तरीका नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से टेलीग्राम पे टीम देते हैं उसमें बेसिकली फंडा क्लियर होता है कि आप लोगों को 2 कॉपी कभी नहीं करना है। पिच मिजाज ज़रूर देखना है, क्योंकि पिच मिजाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टॉस बहुत ही ज़रूरी होता है, विकेट कीपर में जब भी डाउट आए तो ये देखो कि अप डाउन ऑर्डर खेलने के लिए कौन आता है, सामने वाली टीम की कमजोरी क्या है, सामने वाली टीम के पास स्ट्रांगनेस क्या है, उसके गेंदबाजी में क्या है, स्पिन ट्रैक पिच पे उसके पास फास्टर गेंदबाज है या स्पिन गेंदबाज है, ये सब चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। बस आए ड्रीम इलेवन खेलना स्टार्ट कर दिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। जैसे ईडन गार्डन की पिच है या फिर वानखेड़े मैच हो रही है या फिर आपका चिन्नास्वामी मैच हो रहा है, ये सब चीज़ आपको बहुत मदद करेगा। चिन्नास्वामी में है तो पहले ही मालूम होता है कि 200+ स्कोर जाएगा, वहाँ आप गेंदबाज को कभी नहीं लोगे, वहाँ आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज भरें। फिर आते हैं
आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और वीडियो पसंद है तो शेयर करें। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी बंदे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और वहीं हम बात करेंगे, क्योंकि हम कॉल किसी का आजकल रिसीव नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फॉलोअर्स हो गया इसलिए हम बस कॉल इसी ने रिसीव नहीं कर पाते हैं, कि बहुत ज़्यादा कॉल आने लगते हैं। तो मैं कॉल किसी का अभी रिसीव नहीं करता हूँ। आप वहीं पर मुझे मैसेज करो या फिर व्हाट्सअप मेरा नंबर है कमेंट बॉक्स में, मैं दे दूँगा, वहाँ आप मैं मैसेज करके हमसे जो बात कर सकते हो। और फिर टेलीग्राम तो लास्ट है ही, टेलीग्राम पे हम बहुत इंपॉर्टेंट से चीज़ देते हैं, वहाँ उसका लिंक मैं आप लोग इस वीडियो के नीचे दे देता हूँ, उसमें दे के ऐड हो जाओ। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है लेकिन ऐसा है, IPL में आप लोगों को बहुत बंदे ऐसे आए कि डेली का डेली मैसेज करते हो, यार जीत गए, इतना जीत गए, कौन सा पैक खेले नहीं खेले। तो स्पीड में देखो यहाँ पे एक चीज़ कि हेड टू हेड 3 मेंबर्स, इससे ज़्यादा कोई पैक मत खोलो, या फिर खेलो तो ग्रैंड लीग में जब डिस्काउंट वाली मिल जाए वो खेल लिया करो, बाकी के पैक पे मत ध्यान दे यार, बस बहकाने के लिए आते हैं, उसमें लॉस जाओ। कभी एक नया फंड आया पता है, 1000 डिस्काउंट देगा, 1200 डिस्काउंट देगा, उस सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। चलते हैं, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो नया बंदा है वो टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, देखना कितना अच्छा टीम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैं कितना जीतता हूँ, नहीं जीतता हूँ, बस मेरे बातों को विश्वास ना करो, मैं जो प्रूफ देता हूँ उस पर विश्वास करो, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बाय। चलो फिर इन्जॉय करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जो चैनल से नए हो टेलीग्राम पे फटाफट आ जाओ, और जिसको जो क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछो, कि क्या जो कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो। चलते हैं, बाय, मिलते हैं फिर आज की टीम के साथ।